So, क्या लगता है सिंस सो ड्यूरिंग फॉर वाइल में डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग होता है जब दो एक्शन क्या है, एक एक्शन चल रहा है उसके बीच में कोई और एक्शन चल रहा है तो ड्यूरिंग. वाइल होता है व्हेन टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम. एंड फॉर टॉक अबाउट लेंथ ऑफ टाइम. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. तो क्लियर कट डिफरेंस है, एक एक्शन चल रहा है उसके बीच में कुछ होना, एक दो एक्शन बिल्कुल सेम टाइम पे होना, और एक फोर जिसमें सिर्फ लेंथ बताई गई एक एक्शन कितने देर से हुआ है, डजेंट मैटर द एग्जैक्ट टाइम. ठीक है. सो ड्यूरिंग का सेंटेंस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्लस नाउन रहता है. फोर क्या है? फोर प्लस लेंथ ऑफ टाइम रहता है. वाइल के बाद में पूरा पूरा सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट वर्ब करके. ठीक है. जैसे द चिल्ड्रन वर क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास. क्लास चल रही थी, बच्चे चुप थे, एक्शन चल रहा था, है ना. आई वाज स्टडिंग फॉर 4 आवर्स. एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कौन से 4 घंटे, पर 4 घंटे पढ़ाई हुई. शी पॉज्ड व्हाइल्स ही सिप्ड हिज कॉफी. उसने पॉज कर दिया था कोई चीज को भी जब वो यार रुक गई थी, जब उसने सिप लिया. करेक्ट. वो एक्शन एक ही टाइम पे हुए तो वो वाइल हो जाएगा. Let's check some example related to since. The very first one is Alex has been in the village since Sunday. So exact day. He has been suffering from fever since Friday. Exact day से suffer कर रहा है, अब तक हो रहा है. Robin and Susan have been friends since childhood. बचपन से दोस्त हैं, यानी बचपन से लेके अभी तक. ठीक है, तो since लगा रहे हैं इसके इसमें. Here's a worksheet related to since. Correct. So since पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट